चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 60 मिसाइल दागी। रूस ने रूस के हमले से यूक्रेन में ब्लैकआउट। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के रणनीतिकार का बयान, या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। कई शहरों में बड़ा बिजली पानी का संकट, यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। कई देशों ने की रूस की निंदा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 60 मिसाइल दाग दी है। रूस के हमले से यूक्रेन में ब्लैकआउट। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के रणनीतिकार का बयान, या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। कई शहरों में बड़ा बिजली पानी का संकट, यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। कई देशों ने की रूस की निंदा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग में अब जो है आर्या पार वाली स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पुतिन के रणनीतिकार ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि या तो आप युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा ब्लैकआउट यूक्रेन में हो गया है। 60 मिसाइलें एक साथ दाग दी है रूस ने, स्थिति काफी गंभीर है। ब्लैकआउट पूरे देश में हो गया है, बिजली पानी की भारी समस्या देखी जा रही है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कैसे एक साथ 60 मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दागी है। एक साथ 60 मिसाइलें यूक्रेन ने रूस ने यूक्रेन पर दागी है, और साफ तौर पर रणनीतिकार ने, पुतिन के जो रणनीतिकार है, उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि या तो युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। तो अब जंग जो है छिड़ चुकी है, जिस बात का डर था वही हो चुका है, और अब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। बहुत सारे देश अब जो है रूस की निंदा कर रहे हैं कि रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी रूस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है यूक्रेन पर एक साथ 60 मिसाइल दाग कर एक युद्ध की जो है युद्ध की कमान अब रूस ने थाम ली है। जिस बात का डर था सभी को वही हुआ, रूस ने अब एक साथ 60 मिसाइल दाग कर यूक्रेन पे फिर से और रणनीतिकार ने भी साफ कह दिया है पुतिन के कि अब या तो आर या पार का खेल है, या तो अब युद्ध जीतेंगे या दुनिया तबाह होगी। तो सीधे तौर पर हालात काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं यहां पे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है, एक साथ 60 मिसाइलें दाग दी है। यूक्रेन में पूरा ब्लैकआउट हो गया है, ना बिजली है ना पानी है, बिजली पानी का भारी संकट है, लोगों की जान खतरे में है।